दोस्तों आज हम सिर्फ चार चीजों से बनने वाला बहुत ही डिलीशियस मग केक बनाएंगे, वो भी बिना कोको पाउडर, बिना एसेंस और बिना ओवन के बनाएंगे, तो ये सबके लिए बनाना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना चोको रिच मग केक। चोको रिच मग केक बनाने के लिए सबसे पहले नॉनस्टिक पैन को 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पर प्रीहीट करेंगे। आप एल्यूमिनियम कढ़ाई या कुकर भी ले सकते हो। स्टैंड रखेंगे और मैंने यहाँ जाली की तरह यूज करने के लिए कद्दूकस करते हैं वही रखा है ताकि बेक करते वक्त हीट अच्छे से मिल सके। अब ढक्कन लगा देंगे। जब तक हमारा पैन प्रीहीट हो रहा है तब तक हम केक बैटर बना लेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ 2 डेरी मिल्क चॉकलेट ली है। बाउल में चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। यहाँ हम ग्लास में उबला हुआ पानी ऐड करेंगे। अब उसी के ऊपर चॉकलेट वाला बाउल रखेंगे। 1 टेबलस्पून गर्म दूध भी ऐड करेंगे। अब चॉकलेट मेल्ट होने तक मिला लेंगे। इस मेल्ट की हुई चॉकलेट को साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ 15 मारी बिस्किट और 15 हाइड एंड सीक बिस्किट लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी चॉकलेट बिस्किट या पार्ले जी बिस्किट ले सकते हो। मिक्सी जार में बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। बिस्किट को हमें इस तरह से दरदरा पीसना होगा जिससे हमारा केक दानादार बनेगा। पीसे हुए बिस्किट को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 कप दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1/2 कप दूध भरकर 2 बार ऐड किया है। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। आधी टीस्पून इनो भी ऐड करेंगे। इनो के ऊपर 1/2 टेबलस्पून जितना दूध ऐड करके इनो को एक्टिवेट करेंगे। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ हमारा केक बनाने का मिश्रण तैयार है जिसे कप्स में निकाल लेंगे। आप कोई भी साइज का और कोई भी आकार का कप ले सकते हो। बस ध्यान रखना होगा कि कप्स को हम पौना ही भरेंगे। अब हमने जो डेरी मिल्क चॉकलेट का मिश्रण बनाया था वो भी 1-1 टेबलस्पून जितना बैटर में ऐड करेंगे और चॉकलेट मिश्रण ऐड करने के बाद बैटर से इस तरह से कवर कर लेंगे। इसी तरह हम दोनों कप्स में चॉकलेट मिश्रण ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारे दोनों कप्स बेक होने के लिए रेडी है जिसे प्री हीटेड कढ़ाई में 5 मिनट तेज आंच और 30 मिनट मध्यम आंच पर बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद स्टिक डालकर चेक कर लेंगे। स्टिक साफ निकली है मतलब हमारी केक बेक हो गई है। जिसे बाहर निकाल लेंगे। देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारा मग केक बहुत ही अच्छा बना है। चॉकलेट सिरप भी ऐड करेंगे और डेरी मिल्क चॉकलेट के टुकड़ों से गार्निश करेंगे। तो यहाँ हमारा कम से कम सामग्री से बनने वाला बहुत ही डिलीशियस चोको रिच मग केक रेडी है। आप इसे गर्म गर्म ही खा सकते हो या फिर फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा करके एंजॉय करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।